एंड आंटी, सो नथिंग टू वरी, समबडी नीड्स, दे विल बी प्रोवाइडेड विद असिस्टेंस, सभी ठीक है. यू कैन जस्ट सी एवरीबडी इज कूल, एवरीबडी इज हियर एंड आंटी. ये लास्ट बंदे आ रहे हैं जी, हाँ ठीक है. सो है कोई मर्याद भी नहीं गेस्ट हैं, कोई कौन है जो भी है बेटे, अभी पता लग जाएगा. आप आपके तो जाली है ना, कड़े जाली है, उतरने डाले हमारे लेडीज का बंद कर दिया था, नहीं बढ़ाया लेडीज का. भाई इतनी समझा, आपकी बात जायज है, आप समझा एक बात है. पता तो लगे कितने हैं, 13 हैं, 14 हैं, 16 18 बंदों की कैपेसिटी है इसमें. आज से ये हुआ कि कल इवनिंग में मुझे अप्रोक्स 7 बजे के अराउंड इन्फॉर्मेशन मिली कि लिफ्ट में कोई बंदे फंस गए हैं, तो अराउंड 15-20 मिनट के बाद हम साइट पे पहुंचे. तो उससे इन बिटवीन हमारा जो लिफ्ट टेक्नीशियन था वो अवेलेबल था, वो लगा हुआ था. फॉल्ट ये था कि बंदे इसमें ओवरलोड कैपेसिटी की वजह से उसमें जो एमरजेंसी ब्रेक थे वो अप्लाई हुए थे. तो हमने इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली दोनों तरफ एफर्ट लगाया. जो हमारा लिफ्ट का हुई है मैं उससे भी बात करी और सब बंदे एफर्ट लगा रहे थे, बट फाइनली ये हुआ कि एस्केप का जब कोई प्रोविजन नहीं मिला, जब हमने इलेक्ट्रॉनिकली सब चीजें कर ली, मैकेनिकली ब्रेक रिलीज करवाने की कोशिश करी, तो उसके बाद फिर फाइनल यही हुआ कि कहीं ना कहीं से तोड़ के एस्केप करना पड़ेगा. तो वो रेस्क्यू किया, उसमें टाइम लगा बिकॉज जो पहले हम कॉन्फ्रेंस के थ्रू OEM से टच में थे, टेक्निकल जो बंदा अवेलेबल था उसने भी फुल ट्राई की, बट जो ओवरलोड कैपेसिटी की वजह से दिक्कत हुई तो वो सेफ्टी फीचर ही एक एप्लीकेबल हुआ. बिकॉज अगर मान लो इमरजेंसी ब्रेक डाउन नहीं होते, ब्रेक नहीं लगते, तो मेजर इंसिडेंट हो सकता था. अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे, जो 6 फ्लोर से बता रहे कि फ्री फॉल हुआ, ये ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के बीच में कैसे स्टक हुआ? वो जब उसमें विद इन कुछ टाइम मिलता है, जब हमारा सेफ्टी फीचर उसमें एप्लीकेबल होता है, जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं तो वो तो एज सुन एज पॉसिबल ब्रेक ट्राई करता है कि उसको अप्लाई करे. तो मैकेनिकल ब्रेक लगते हैं तो वो जो हमारा बेसमेंट का फ्लोर है उससे पहले वो ब्रेक अप्लाई हुआ और वो वहां सेफ रह सके बंदे. अगर वो ब्रेक अप्लाई नहीं होता तो फिर इंसिडेंट बड़ा हो सकता था. टेक्निकल बंदा इसका एनुअल AMC थर्ड पार्टी को एलोकेट किया हुआ है, प्रॉपर मेंटेनेंस होती है. इंस्पेक्टर जो होते हैं हमारे एनुअली इसका NOC होता है, वो हमारे पास सारे बाकायदा ऑन पेपर चीजें अवेलेबल है, उसमें एक भी लैप्स ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा बोल सके कि सेफ्टी से तो कोई कंप्रोमाइज है नहीं, बट एक जस्ट टेक्निकल एरर आई या जो भी ओवरलोड की वजह से हुआ तो उस वजह से हुआ. बिकॉज वो चीजें रेगुलर तो हमारी इमरजेंसी ब्रेक रेगुलर तो अप्लाई होती नहीं है, वो तो कभी कभार कोई इमरजेंसी आई तब अप्लाई हुई, तो वो मैकेनिकली इतनी स्ट्रांग था उसको रिलीज करने में हमारा टाइम लगा, इसी वजह से करना पड़ा. ऐसे फीचर से कि ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता जैसे बीच में रुक गया. हाँ बिल्कुल.